अध्यक्ष मनोज तिवारी के क्रिकेट खेलने पर जहां आम आदमी पार्टी ने उन पर सवाल उठाए, तो वहीं मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि दरअसल दिल्ली सरकार दिल्ली में कोरोना के आंकड़े छुपा रही है और उससे ध्यान भटकाने के लिए ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल क्रिकेट खेलने का वीडियो जब आया तो आम आदमी पार्टी ने जमकर घेरा मनोज तिवारी को, लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं कि आप लोग ध्यान भटका रहे हैं, आंकड़े छुपा रही है दिल्ली सरकार। देखिए, अब दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए कि हम ही हाईकोर्ट हैं, हम ही सुप्रीम कोर्ट हैं, ना हाई कोर्ट मानेंगे ना सुप्रीम कोर्ट मानेंगे, जो भाजपा कहेगी वही सच है, क्योंकि वो इस देश के ईश्वर है, भगवान है। भाजपा ये कहना चाहती है, दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने साफ तौर पे कह दिया, जो डॉक्टर्स की एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी है उस पर उनको किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। डेथ ऑडिट कमेटी ने जो मौत का आंकड़ा जारी किया है वो पूरी तरह से सच है, सही है, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने मान लिया और याचिका खारिज कर दी, जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसका मतलब अब अगर इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने में लगी हुई है, तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि दिल्ली की जनता को भाजपा डराना चाहती है, भयभीत करना चाहती है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद मैंने तो सोचा था कि ये बेशर्म भाजपा ही, कम से कम इनमें थोड़ा शर्म आएगी, आके माफी मांगेंगे दिल्ली के लोगों से। अब तक इन्होंने माफी नहीं मांगी। इनकी बेशर्मी की हद है, इनकी घटिया राजनीति की हद है। मौत के आंकड़े पर हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद ये मौत के आंकड़े पर सवाल उठा रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि इस समय उनको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोरोना के मौत के आंकड़ों को झूठ कहा, उन्होंने कोरोना के मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाया, जबकि हाईकोर्ट ने उसको सही माना है। एक बात।